नेशनल हाईवे पर नगर निगम के डिच ने कहर बरपाते हुए करीब 32 कब्जों को नेस्तनाबूद कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देशों पर की गई कार्रवाई ने कई दुकानों तथा घरों के कब्जों को हटाने की कवायद शुरू की। पहले दिन निगम की टीम ने पठानकोट चौक से लेकर रेरू गेट तक कार्रवाई की। इस दौरान 40 कब्जों की निशानदेही की गई, जिसमें से 32 कब्जों को निगम की टीम ने हटा दिया, जबकि 8 कब्जों के मालिकों ने दस्तावेज दिखा दिए, जिसके चलते उन्हें छोड़ दिया गया। इस मौके पर एटीपी लखबीर सिंह, राजेंद्र शर्मा, रमेश छाबड़ा और श्याम सुंदर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बहुत देर पहले देता सीगा, हुण कोई नोटिस नहीं देता सीगा। एटे टाइम साडा नुकसान काफी लखा रुपया नुकसान साडा हो गया। कपड़े दा साडा सानू मौका नहीं दिता चक्कण दा समान दा। बहुत देर पहले दस्या सीगा, हुण नहीं कदे दस्या। काफी टाइम पै गया, पहला नोटिस आ जांदा। हाईकोर्ट दे विच दायर होई सीगी 4559, उहदे तहत कार्रवाई हो रही है। इन्हों 2008 तो लैके नोटिस दिते आ सारे, 3-4 वारी इन्हों मौके पर आके भी परसनली भी इन्हों कहा गया आ कि जिनी 5 मीटर के वायलेशन आ जा किसी की जी इनकोजमेंट वो अपने पदर से दूर कर ले। अज ये जरा जिला अपनी कमिश्नर ऑफ पुलिस के वलों फोर्स लैके सारी कार्रवाई कर रहे हैं। ये रोड के उत्ते टोटल 200 के करीब हैगियां वायलेशन दोनों साइड से, जिन्हें 95 तो जड़िया पहलों दी बनी आई जिन्होंने प्रूफ दिते आ 13-14 केस है इस लैफ्ट साइड के, उन्होंने छड़ के बाकी सारे कार्रवाई होनी।